नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है और अध्यक्ष बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरे पंजाब के ज्यादातर इलाकों का दौरा किया, तमाम विधायकों से मिले और कोशिश ये की कि वो बहुत जल्द अपनी खुद की एक नई टीम बना ले। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, यानी कि टीम का एक बड़ा हिस्सा खुद कांग्रेस आलाकमान ने बना दिया है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को अब पूरे पंजाब में हर एक जिले में कहीं ना कहीं एक नए सिरे से नई टीम बनानी होगी, क्योंकि पिछली जो टीम थी वो सुनील जाखड़ की बनाई हुई थी और सुनील जाखड़ कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के यस मैन कहे जाते थे। लिहाजा अगर अमरिंदर सिंह के समर्थक नवजोत सिंह सिद्धू की टीम में बड़े पैमाने पर होंगे तो ये कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आने वाले समय में नुकसानदायी हो सकता है। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे पंजाब में दौरे कर उन लोगों को ढूंढे जो कि उनके खासम खास हैं और उन्हीं लोगों को अपनी टीम में वरीयता दें जो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ होते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक होते हैं। तो दूसरी तरफ एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी टीम बना रहे हैं क्योंकि अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, तो दूसरी तरफ उनके बराबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। नवजोत सिंह सिद्धू संगठन के प्रधान हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार के मुखिया हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी टीम बना रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी जल्द से जल्द अपनी टीम यानी कि कैबिनेट में मंत्रिमंडल में विस्तार कर सकते हैं और उन लोगों को साइडलाइन किया जा सकता है जो नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास थे, जैसे कि मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री सुख सरकारिया और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनवाने में पूरी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और मेहनत के साथ जुटे हुए थे और यहां तक कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब में दो टीमें बन रही हैं, एक टीम है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी टीम कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। यहां किसी से ये छुपा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में शुरू से ही 36 का आंकड़ा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी टीम जो बनाएंगे उसमें कैप्टन अमरिंदर के समर्थकों को दरकिनार करेंगे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी टीम बना रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो अपने खासम खासों को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं और जो नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने जो फॉर्मूला तय किया था उसमें ये कहा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष बनते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मेमोरेंडम टाइप लिखित में 18 पॉइंट्स का एजेंडा थमा दिया कि मुख्यमंत्री जी इन वादों को, इन कामों को पूरा करिए। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन लग ये भी रहा है कि ये खामोशी कहीं ना कहीं तूफान से पहले की हो सकती है और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खासों को अगर दरकिनार करेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी टीम में अपने लोगों को शामिल करेंगे। तो फिलहाल पंजाब की राजनीति में जो तनातनी का माहौल था वो फिलहाल अभी भी जारी है और बना हुआ है।